तो मैमू साहब, आपके नज़दीक ये खुशाइंद बयान है जरदारी साहब का? अब फैसल करीम गुंडी साहब, जिस तरह जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, उसी तरह क्या बिलावल साहब को भी इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है? जी बिल्कुल, बिलावल साहब को इलेक्शन कमीशन पूरे एतमाद है, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है वो हमेशा हम बताते हैं। जैसे कि आप देखें कि जिस तरीके से सिविलियन हुकूमत के हाई कमिश्नर ने मियां नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया लंदन से, फिर यहाँ पर सिविलियन इदारे जो हैं जिस तरीके से उनका बर्ताव है एक मखसूस पार्टी के साथ, फिर गवर्नर हाउस में एक पार्टी की इलेक्शन के हवाले से, सीटों की तकसीम के हवाले से मीटिंग होती है, तो ये रिजर्वेशन है जो हम वर्किंग फौज में बताते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर हमें पूरे एतमाद है कि वो इस वक्त इस दफा आरटीएस सिस्टम नहीं बैठने देंगे, आरओ इलेक्शन नहीं होने देंगे, धुंध का जो है वो शिकायत नहीं होने देंगे, और जिसके लिए वोट पाकिस्तान को आवाम डालेगी उसी के लिए देना जाएगा। तो फैज साहब, ये तो आप बता रहे हैं इलेक्शन डे का अहवाल, ये उससे पहले का जो अभी के जो इस वक्त मौजूदा दौर, जो अभी आपके तहफ़ुज़ात हैं इन दिनों में, वो उन तहफ़ुज़ात के साथ ही फिर आप इलेक्शन में जाएंगे, या वो भी आप इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत या किसी और प्लेटफॉर्म से वो दूर होते आपको नजर आ रहे हैं, कहीं कंसिडर किया जा रहा है आपके तहफ़ुज़ात को? इलेक्शन कमीशन पे भी और इलेक्शन के उसके ऊपर पहले बात की है, और इलेक्शन डे का अपना देखें, पाकिस्तान की उस पार्टी ने हमेशा कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसके बावजूद भी हम इंशाल्लाह ताला जो है हमने एक्सपीरियंस है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का और उसमें इलेक्शन लड़ने का, तो लिहाजा हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम एक एज ए टोकन ऑफ आपके हैं कि एजुटेशन या शिकायत है उस पर हमने वो किया है कि हम बता रहे हैं कम अज कम जो है ये सूरत है, इसके बावजूद भी हम इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी बिहारी जमातों के साथ मिलकर हम अगले को। तो फैज साहब, ये इन्हीं हालात के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे, इन्हीं तहफ़ुज़ात के साथ जो अभी इस वक्त हैं आपके इलेक्शन कमीशन से कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आपको नहीं मिल रही, तो महीने डेढ़ महीने बाद आपका यह मुतालबा मजीद जोर पकड़ जाएगा, मजीद संजीदा हो जाएगा, और फिर कहीं आप इलेक्शन के नतीजे पर तो नहीं सवाल उठाएंगे? देखिए, हम इलेक्शन में बिल्कुल जाएंगे तहफ़ुज़ात के साथ, तहफ़ुज़ात के बगैर जो भी इस वक्त हालात होंगे, लेकिन साथ साथ जो है हम ये कहते हैं कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम अगर पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, पीटीए को, जिस जवान को भी वोट करती है, तो उसको पाकिस्तान में हुक्मरानी करने की जो है वो हक बनता है। अगर आप सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन के जरिए आप मुसलत करना चाह रहे हैं किसी को, तो वो नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुल्क है हमारा, वो मुतहमल नहीं हो सकता कि हम इस वक्त इस मुल्क में सिलेक्शन का दोबारा जो है वो एक दौर गुजारें और हम लाडले की जगह लाडला प्लस लेकर आए, तो ये चीजें नहीं हो सकती। इलेक्शन होने चाहिए, मियां साहब ने तो खुद कह रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हमेशा ही कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, तो हम भी कहते हैं वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, जिस जमात के लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।